हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ सभी लोगों का मेरे चैनल एडवांस स्टडी हम में। दोस्तों, रिजल्ट घोषित कर दिया गया है 10,000 वैकेंसीज का और 1,100 वैकेंसीज का। और यहाँ पे रिजल्ट की जो लिंक है अलग अलग बनाई गई है, आप सभी लोगों को यहाँ पे अपना अपना रिजल्ट चेक कर लेना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को अपना अपना यहाँ पे रिजल्ट चेक करना है। और उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है, चाहे आप शॉर्ट लिस्टेड हैं, चाहे आप वेट लिस्टेड वाले कैंडिडेट हों, चाहे आप लोग होल्ड पोजिशन पे वहाँ पे हों, ठीक है, पूरी की पूरी जानकारी मैं इसमें आपको वीडियो के तौर पे आपको दूंगा। और इसमें क्या करूंगा, इसमें एक कैंडिडेट का मैं पूरा एनालिसिस है वो मैं आपको बताऊंगा और उसकी इन्फॉर्मेशन डालूंगा। हालांकि उसकी इन्फॉर्मेशन पूरी हाइड रहेगी, लेकिन उस इन्फॉर्मेशन से आप ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से आपको अपना रिजल्ट देखने के लिए क्या क्या डिटेल आपको किस तरीके से ये फिल करनी है। तो अपडेट मैं शुरू करता हूँ। अपडेट शुरू करने से पहले लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, कमेंट कर दीजिए जो कुछ भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करिए। आगे के अपडेट जितने भी आ रहे हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई भी अपडेट आपसे छूटना नहीं चाहिए। अभी वेटिंग लिस्ट वाले कैंडिडेट्स के लिए भी अपडेट आएगा, ठीक है। आगे जो कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड हैं उनके लिए ऑफर लेटर वाला अपडेट आएगा, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट को लेकर भी यहाँ पे अपडेट आएगा और साथ ही साथ कट ऑफ को लेकर भी अपडेट आगे आएगा। तो कोई भी अपडेट्स आपसे छूटे ना, उसके लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरी की पूरी जानकारी आपको हमारे चैनल के थ्रू इसी तरीके से मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं अपने अपडेट की ओर। और यहाँ पे इस वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों में, सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि एग्जाम का रिजल्ट यहाँ पे आ चुका है और सभी लोग अपना अपना यहाँ पे रिजल्ट चेक कर लें। तो शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। और यहाँ पे शुरू करता हूँ अपने अपडेट की ओर। और सबसे पहले 10,000 वाले कैंडिडेट्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। और यहाँ पे जो लिखा है व्यू रिजल्ट, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे रिजल्ट पे यहाँ पे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। और क्लिक करने के बाद ये जो पेज खुल के आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों को दो इन्फॉर्मेशन चाहिए है। अगर आप लोगों को 10,000 वैकेंसीज का यहाँ पे अपना अपना रिजल्ट चेक करना है तो ये चाहिए है आपको एप्लीकेशन आईडी, और आपका यहाँ पे चाहिए है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। दो चीजों के अलावा इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। और आपको एप्लीकेशन आईडी देखिए कहाँ पे मिलेगी, ठीक है। तीन तरीके हैं एप्लीकेशन आईडी को पा लेने के, अगर आपके पास एप्लीकेशन आईडी नहीं है। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है, अगर आपने फॉर्म भरा था शुरुआत में तो उसमें सबसे ऊपर एप्लीकेशन फॉर्म पे वहां पे एप्लीकेशन आईडी लिखी है, तो एप्लीकेशन फॉर्म खोलिए अपना, वहां पे आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। और अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो आप, अगर आपके पास एडमिट कार्ड है, ठीक है, तो वहां भी लिखा गया है सबसे ऊपर की तरफ, ठीक है, हेडिंग के जस्ट नीचे ही वहां पे एडमिट कार्ड पे लिखा गया है आपका एप्लीकेशन आईडी, तो ठीक है, तो वो अगर आपको वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास मोबाइल में, जब आपने मोबाइल का जो इनबॉक्स है, ठीक है, वहां पे भी आपको ये एप्लीकेशन आईडी मिल जाएगी जब आपने ये फॉर्म भरा होगा। और जब ये सबमिट हुआ होगा तो वहां पे एक मैसेज आया हुआ होगा UPNHM द्वारा, सैम्स द्वारा, कि आपका एप्लीकेशन आईडी ये है। तो तीन तरीके हैं आपके पास, एप्लीकेशन फॉर्म खोलिए, या फिर आप अपना एडमिट कार्ड खोलिए, या फिर आप अपने पास मोबाइल में इनबॉक्स में अगर वो मैसेज पड़ा है तो आप लोग वहां से अपना अपना यहाँ पे एप्लीकेशन आईडी यहाँ पे ले आइए। और एप्लीकेशन आईडी डालने के लिए जो डिजिट यहाँ पे जो डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक डेमो के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से ये आपको डिटेल फिल करनी है। तो यहाँ पे मैंने क्या एक डिटेल यहाँ पे ऐड करी है, और ये डिटेल आपको किस तरीके से फिल करनी है, ठीक है। ऊपर वाली जो डिटेल है ये वाली, तो इसमें क्या करना है आपको, ये एप्लीकेशन आईडी है और नीचे है आप सभी लोगों की डेट ऑफ बर्थ। तो आप लोगों को एप्लीकेशन आईडी कैसे डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एप्लीकेशन आईडी आप सभी लोगों को जब मिल गई है तब आपको क्या करना है, ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ तक आपको देखना है। उसके बाद ये जो डिजिट दी है, ठीक है, 00 के बाद, वो आपको क्या करना है यहाँ पे फिल कर देनी है। तो मैं यहाँ पे एक बार फिल करके बता देता हूँ आप सभी लोगों को, और तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, ठीक है। तो 54300, और जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं डेट ऑफ बर्थ आपको सेलेक्ट करनी है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इस पर क्लिक करना है बॉक्स पे, और ये जो टेबल खुल के आ जाएगी, सबसे पहले आपको ईयर पे जाना है। ईयर पे जाने के बाद आपको 1994 सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद आपको जाना है मंथ पे, फिर मंथ वाली आईडी पे आपको जो भी मंथ है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है, तो जुलाई है तो मैंने जुलाई कर दिया है। फिर आपको डेट पे क्लिक करना है, जो भी डेट है, 7 तारीख है या फिर 6 तारीख है या तो 1 तारीख है, कोई भी आपकी तारीख है तो वो आपको सिलेक्ट कर देना है। फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो ऐसी में क्या है, एक इन्फॉर्मेशन मैं कैंडिडेट की सही इन्फॉर्मेशन डाल देता हूँ, और आगे का जो पेज खुल के आएगा वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा।
तो आप सभी लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, पूरी डिटेल यहाँ पे नज़र आ गई है और यहाँ पे लिखा गया है पोजीशन नेम। ठीक है, पोजीशन नेम में यहाँ पे फार्मेसिस्ट दिया है, अर्बन हेल्थ के अंतर्गत ये पोजीशन थी, और यहाँ पे आपका रोल नंबर दिया है, आपका एप्लीकेशन आईडी जिससे आपकी ये पेज खुल के आया है, और कैंडिडेट का नेम आपका नाम यहाँ पे दिया है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिया है, आपकी कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। ठीक है, और रिमार्क के तौर पे क्या बोला गया है इस कैंडिडेट को, ये अभी शॉर्ट लिस्टेड नहीं है, तो ये अभी शॉर्ट लिस्टेड यहाँ पे नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे अभी कोई भी कट ऑफ यहाँ पे जारी नहीं किया गया है, सिर्फ ये एक तरीके का रिमार्क यहाँ पे दे दिया गया है। अगर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड है तो यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड रख दिया गया है, अगर कैंडिडेट यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाला है तो उसको वहाँ पे वेटिंग लिस्ट बोल दिया गया है, और वेटिंग लिस्ट का कुछ नंबर वहाँ पे दे दिया गया है, जैसे कि मान लीजिए ओबीसी में कोई वेटिंग लिस्ट दे दी है 5। ठीक है, तो ऐसा बता दिया गया है, जो शॉर्ट लिस्टेड है उनका शॉर्ट लिस्टेड लिखा गया है, और उनका शॉर्ट लिस्टेड का कौन से नंबर पे शॉर्ट लिस्टेड है तो वो भी उसमें बताया गया है, और जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं तो उनका वेटिंग लिस्ट का नंबर बताया गया है, उनकी कैटेगरी भी बताई गई है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन थी यही थी, पूरी इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। तो आप सभी लोगों को भी अपना अपना यहाँ पे चेक कर लेना है, और जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ले लीजिएगा। ठीक है, वीडियो के खत्म होते ही वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वीडियो के जस्ट नीचे ही लिंक दे दूंगा इस पेज की, तो आप लोगों को अपना अपना वहाँ पे डिटेल फिल करनी है। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि सैम्स यूपी एनएचएम 00 के बाद जितनी भी डिजिट आपके एप्लीकेशन नंबर में दी गई है, एप्लीकेशन आईडी में दी गई है, तो वो आपको फिल करनी है, और डेट ऑफ बर्थ उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा, तो आपको यहाँ पे पेज खुल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग अभी भी अपना यहाँ पे रिजल्ट चेक नहीं कर पा रहे हैं, तो नीचे मैं अपनी मेल आईडी दे देता हूँ, तो इस पे आप लोग क्या करिए, अपनी अपनी डिटेल यहाँ पे सेंड कर दीजिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी नीचे की तरफ अपनी एक मेल आईडी लिख दी है, पर्सनल मेल आईडी, इस पे मेरा जो रिस्पांस रहता है कुछ ज़्यादा तेज रहता है, और सबसे पहले मैं रिप्लाई इसी पे करता हूँ। करीब करीब 50 से 80 लोगों को यहाँ पे मैं एडमिट कार्ड उन लोगों ने हमें भेजे थे, उन लोगों ने अपनी डिटेल भेजी थी, तो उन लोगों को क्या किया मैंने, ये पूरा का पूरा रिजल्ट उनकी मेल आईडी पे चेक किया। अगर आपने अपनी जीमेल आईडी अपने चेक नहीं किया अभी तक तो चेक कर लीजिए, अगर आपने मुझे डिटेल भेजी थी तो आप लोग अपनी अपनी जीमेल आईडी में चेक कर लीजिए, मेरा मेल वहाँ पे आपको मिल जाएगा आपके रिजल्ट के तौर पे, जो भी आपको मैंने वहाँ पे रिप्लाई किया है। आप लोगों को क्या करना है, दो चीज़ें हमारी इस पे भेज देनी है, आपको क्या करना है, आपकी जो पोस्ट है 1100 पोस्ट है तो वहाँ पर लिख दीजिए 1100 पोस्ट है, आपकी एप्लीकेंट आईडी जो है वो आपको वहाँ पर लिख के भेज देनी है, और आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर लिख के भेज देनी है। ठीक है, 1100 पोस्ट है या फिर आपकी 10,000 वाली पोस्ट है तो वो आप लोगों को हमें इस पे भेज देनी है। अगर आपके पास एडमिट कार्ड की फ़ोटो मोबाइल में पड़ी हुई है तो वो भी आप हमको भेज सकते हैं, अगर आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म पड़ा हुआ है तो उसकी फ़ोटो भी आप हमको हमारी मेल आईडी पे, ये जो मैंने नीचे की तरफ लिखी है, तो इस पे आप हमें भेज सकते हैं। तो ईजिली तरीके से मैं आप लोगों का वहाँ पे जिस भी किसी भी मेल आईडी से आप हमें मेल भेजेंगे उसी पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा आपका जो भी रिजल्ट रहेगा। हो सके तो आप लोग अपना एडमिट कार्ड मुझे भेजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका, तो वो भी आप हमें भेज सकते हैं। अगर आपके पास फ़ोटो रखा है तो फोटो लेके मोबाइल में वहाँ से भी भेज सकते हैं, और आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है तो वहाँ से भी आप लोग हमें भेज सकते हैं, लेकिन भेजने के लिए आपको हमारी मेल आईडी यहाँ पे, इस पे आपको भेजना पड़ेगा। अगर आपको ये दोनों चीज़ें नहीं है, एप्लीकेशन आईडी मीन्स एडमिट कार्ड नहीं है और ना ही आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, तो आप लोग एप्लीकेंट आईडी और आपको डेट ऑफ बर्थ ये भी आपको भेज सकते हैं। ठीक, लेकिन आप लोग ये ज़रूर मैंशन कीजिएगा कि आपने 1100 वैकेंसीज पर एग्ज़ाम दिया है कि या फिर आपने 10,000 वाली वैकेंसी। ठीक है, काफ़ी लोगों को मैंने हेल्प की है, करीब करीब काफ़ी कैंडिडेट्स को मैं अभी तक भेज चुका हूँ उनके रिजल्ट, लेकिन आपको अभी भी दिक्कत आ रही है तो आपको मैं वहाँ पे सेंड कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, एक थैंक यू का मैसेज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ये अपडेट आपको बहुत पसंद आया होगा, और इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आगे भी इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। लाइक कर दिए, दिल से लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में कुछ भी पूछ सकते हैं आप हमसे, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करिए। आगे जो मैं रिजल्ट लेकर आने वाला हूँ, बहुत सारे कैंडिडेट्स का मेरे पास एनालिसिस है, तो वो पूरा एनालिसिस मैं अपलोड करने वाला हूँ कुछ दिनों में, और एक आध दिन में ही वो मैं पूरा का पूरा अपलोड कर दूंगा। जितनी भी कैटेगरीज में सभी जितनी भी पोस्ट में एग्जाम दिया है कैंडिडेट्स ने, पूरा अपडेट मैं करने वाला हूँ और उसमें पूरी जानकारी आपको दूंगा, और कट ऑफ को लेकर भी मैं आपको बताऊँगा कि कितना रह सकता है। ठीक है, और यहाँ पे सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा, आगे की इन्फॉर्मेशन आपसे छूटने नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाली है। जो कैंडिडेट यहाँ पे ऑफर लेटर वाले हैं तो उनका भी इन्फॉर्मेशन आने वाली है। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।